हाई डिवाइन फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। ये वाली रीडिंग मैं सिंगल्स के लिए करने वाली हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके लिए प्रेडिक्शंस करूँ मैरिज की, उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, क्या होगा। सो मैंने कहा कि ठीक है, अगर इस चीज़ की डिमांड आ रही है तो आई शुड डू इट। तो इसलिए मैंने ये रीडिंग करने का सोचा कि मैं सिंगल्स के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, जो भी बैचलर्स हैं, जो भी अनमैरिड लोग हैं। ठीक है, आपकी मैरिड कैसी रहने वाली है उसका प्रेडिक्शन इस रीडिंग के माध्यम से मैं करूँगी। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं अपने डिवाइन को बुलाना चाहूँगी, अपने एंजल्स को बुलाना चाहूँगी, एंसेस्टर्स को बुलाना चाहूँगी कि वो इस रीडिंग में प्रेजेंट रहें और आकर हमें इस रीडिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम डिवाइन गाइडेंस ले लेंगे, उसके बाद हम टैरो से प्रेडिक्शंस लेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, डियर एंजल्स, डियर एंसेस्टर्स, डियर एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एवरी टाइम। ठीक है, एंड आई कॉल यू इन दिस रीडिंग, आई इन्वाइट यू इन दिस रीडिंग, प्लीज़ बी देयर। और हम लोगों को डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड करिए, हमारे जो भी कलेक्टिव्स हैं उनको प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड करिए। एक दो कार्ड और दीजिए। ओके, आई थिंक हो गया, टू कार्ड्स, या ओके ओके, फोर कार्ड्स आए हैं, या ओके, गणेश जी का कार्ड आया है। अगर किसी की शादी में कोई विघ्न आ रहे थे, कोई रुकावट आ रही थी, तो डेफिनेटली आपकी शादी के बीच में जो भी विघ्न आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, वो सारी विघ्न विनाशक गणपति दूर करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी शादी में जो भी रुकावटें, अड़चने थी, जो भी परेशानियाँ थी, वो सारी विघ्न विनाशक गणपति दूर करेंगे। ठीक है, लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आपकी राह में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी विघ्न थे, जो भी परेशानियां थी, वो सारे विघ्न दूर कर रहे हैं, गणेश जी ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप कुछ, जिस किसी की भी शादी नहीं हो रही थी, हो सकता है आपकी शादी जल्द से जल्द आपको खुशखबरी मिले कि आपकी शादी फिक्स हो गई है। ठीक है, असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस एंड द लाइट इज हियर। बोला जा रहा है कि आपको अपने अंतर्मन में झांकने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, आप मेडिटेट करिए, है ना, और जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनसे बाहर निकलिए, मेडिटेशन करिए, और अपने अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनसे अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को आज़ाद कराइए। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, हायर लर्निंग, यू हैव लर्न्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आपको बोला जा रहा है कि आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, आपको इनर स्टडी करने की ज़रूरत भी है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने इनर वर्ल्ड में जाने की ज़रूरत भी है। साथ के साथ आप मेडिटेशन भी करते रहिए, पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी से कट ऑफ मत करिए। ठीक है, हो सकता है आप कहीं कहीं पर, मैं देख रही हूँ आपके पास टाइम ना हो, कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, है ना, मेडिटेशंस के लिए या योगा ध्यान वगैरह करने के लिए आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे हैं, तो टाइम दीजिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको अपने इनर ग्रोथ के लिए भी आपको टाइम देने की ज़रूरत है, है ना। ओके, होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। अभी जो करेंटली आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं ना, उनको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस हैं, जो परेशानियां हैं, जो अड़चने हैं, है ना, उनसे आगे बढ़िए, उनको, उन पर विजय हासिल करिए, है ना, और फोकस करिए। आपको जो चीज़ चाहिए ना लाइफ में, आप उस पर फोकस करिए। अगर आपको शादी करनी है तो आप उस पर फोकस करिए,
अगर आपको अपने करियर में फोकस करना है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी करेंटली जो चैलेंजेस चल रहे हैं ना, उसको ओवरकम करिए बेसिकली, और अपने एम्स को, अपने गोल्स को अचीव करिए, उस पर फोकस करिए। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो प्रिडिक्ट करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे सिंगल्स ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। हमारे जो भी सिंगल्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, और जिस किसी की भी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी कब होने वाली है, कब फिक्स होगी, कब तक फिक्स होगी, ये भी देखेंगे हम लोग। जो कोई भी सिंगल्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। जो कोई भी सिंगल्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। डियर एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द रीडिंग। एंजल्स, एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ गिव अस सम कार्ड्स के जो कोई भी सिंगल्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो कोई भी सिंगल्स मेरे कलेक्टिव्स हैं, उनकी शादी कब फिक्स होगी और कैसी रहेगी, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज़ मुझे कुछ क्लैरिटी दीजिए, ताकि मैं अपने कलेक्टिव्स को वो कन्वे कर पाऊँ कि सिंगल्स की क्या मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, सिंगल्स की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, मेरे सिंगल्स की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, एक सेकेंड, एक कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पे। ओके, सिंगल्स की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, प्लीज़ कन्वे करिए कैसी रहने वाली है सिंगल्स की मैरिड लाइफ। ये वाले कार्ड्स आना चाह रहे हैं। ओके ओके, आई टेक दिस, फाइन। ओके, द हायरोफेंट, मैरिज का कार्ड ही आ गया है। ओके, आप लोगों के मैरिड लाइफ, लेट्स सी। अभी करेंट सिचुएशन में आपकी जो देख रही हूँ ना, आप काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टन हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं यहाँ पे कुछ लोग। ठीक है, लेट्स सी। ओके, ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी जो करेंट सिचुएशन है ना, जो कोई भी मेरे सिंगल्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी जो करेंट सिचुएशन है ना, आप अभी फ़िलहाल किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मुझे हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं, काफ़ी दिल टूटा है आपका, शैटर्ड है ना, बुरी तरह दिल टूटा है आपका। और यहाँ पे मैं स्लीपलेस नाइट्स भी देख रही हूँ, कोई सो नहीं पा रहा है, किसी को नींद की प्रॉब्लम है, इंसोमनिया की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अभी करेंटली अगर किसी भी रिलेशनशिप में थे ना, जिस भी रिलेशनशिप में आप थे, ठीक है, वहाँ पे रनर और चेजर वाली सिचुएशन थी। मतलब एक रूट रहा है तो दूसरा मना रहा है, तो दूसरा फिर रूट जा रहा है, फिर अगले को मनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे रूटने मनाने का सिलसिला जो है नेवर एंडिंग था, एक साइकिल चलता रहता था आपका। हो सकता है आप अपने कार्मिक के साथ हों, हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम ना हो, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी, गुस्सा आपस में होता रहता था आप लोग का। बट फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपका जो फ्यूचर है, और इसी वजह से ये जो रूट ना मनाना है ना, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे और इनडिसाइसिव हो गए थे, ट्रैप हो गए थे। you know, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आगे बढ़ें इस रिश्ते में या नहीं बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में आगे। तो वो चीज़, आप उस चीज़ को लेकर के डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आप, ठीक है, आपको कोई दिशा नहीं मिल रही थी, आप ट्रैप थे पूरी तरह से। बट आपके लिए फ्यूचर में जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ वो आया है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये जो आप डव देख रहे हो, ये एंजल है। एंजल इज पोरिंग ब्लेसिंग्स, है ना, इनटू दिस कप। और इस कप से पूरी तरह से ये जो लिक्विड आप देख रहे हो, ये ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, ये पूरा पोर आउट हो रहा है, ठीक है।
तो आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हो सकता है आपको लाइफ में जो प्रेम मिले ना, अब जो आपकी लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ जो होगी ना, उसमें भरपूर प्यार होगा, हैप्पीनेस होगी और यस, काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार मिलने वाला है। जो चीज़ आपकी लाइफ में लैक कर रही थी ना, आप परेशान थे, है ना, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान, डिसअपॉइंटेड थे, डिसहार्टन थे, है ना, वो चीज़ें आपकी डेफिनेटली ओवर होंगी। ये आपके लिए फ्यूचर कार्ड्स देख रही हूँ मैं, ये आपके फ्यूचर कार्ड्स आए हैं। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी आफ्टर मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ आपकी डेफिनेटली अच्छी रहने वाली है। उसमें काफ़ी सारा आपका मैं देख रही हूँ कप ऑफ लव्स, यू नो नाइन ऑफ कप्स, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, एस ऑफ कप्स, ठीक है। आप लोग का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इमोशनल गिव एंड टेक काफ़ी रहेगा। आप इमोशनली काफ़ी अपने पार्टनर के साथ, अपने जो भी आपके स्पाउस रहेंगे उनके साथ आप अटैच रहेंगे। एंड ये पूरा पूरी तरह से हैप्पीनेस का कार्ड है जो ब्लेसिंग्स को दर्शाता है। तो आप डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ भी ब्लेस्ड रहेगी। साथ ही में जो मेरे मैरिड लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं रिसेंटली, हो सकता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और डिसहार्टन सिचुएशन से गुजरे हों, ठीक है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजरे हों। अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ हो, आपस में आप लोग का झगड़ा लड़ाइयाँ हुई हों, एंड या और आप लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, बट अपकमिंग फ्यूचर में आप लोग काफ़ी अच्छे से समय बिताने वाले हैं। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, इमोशनली एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, गिव एंड टेक होगा, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इमोशनली कनेक्शन आप लोग का काफ़ी स्ट्रांग बिल्डअप होगा। यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं या तो होता क्या है कि लाइफ में सी मैरिड लाइफ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी मैरिड लाइफ हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चले। अप्स एंड डाउन्स हर मैरिड लाइफ में होते हैं, हर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर बुरा समय आता है, अगर डाउन वाला समय आता है, तो डेफिनेटली आपका अच्छा समय भी आता है, पॉजिटिव समय भी आता है, ठीक है। हर रिश्ते का अपना एक फ्लो है, ठीक है, वो अपने फ्लो के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ हमेशा पॉजिटिव 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 ही रहे। कभी कभार होता है कि आपस में पार्टनर्स में आपस में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपस में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं पार्टनर्स में, सो उसको लेकर भी कई बार आपस में लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं, आपस में डिसहार्टनिंग हो जाती है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब हमेशा ही ऐसा हो। धीरे धीरे करके चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, बढ़ जाती है आपस में, तो पूरी तरह से डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। आगे पॉजिटिव है समय, अच्छा है और अच्छा समय आ रहा है, मैं देख रही हूँ इसमें कार्ड्स में। तो देख लेते हैं क्या क्या आपके लिए डाउनलोड्स आ रहे हैं, क्या क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपको, यूनिवर्स क्या क्या मैसेजेस दे रहे हैं, है ना, लेट्स सी। पिंक कार्ड लेते हैं, यू आर स्टीमिंग हॉट, किसी को आप काफ़ी ज़्यादा हॉट लगते हैं लगती हैं, ओके। यू आर इंटेलिजेंट, कोई आपकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस्ड है, यू आर हॉट, यू आर इंटेलिजेंट, ओके। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन क्लियरली एवरी वर्ड, ये मैसेजेस सीधे गॉड आपको कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाला आना चाह रहा है। नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली, आपको बोला जा रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं ना, जो आपसे जो आपको लाइक नहीं करते, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं।
ओके ये वाला है, यू आर गॉड्स चैम्पियन, आप गॉड के चैम्पियन हैं, गॉड के चुने हुए बच्चे हैं, आपने कभी भी हार नहीं मानी है, कितनी भी विषम परिस्थिति आई हो। फ्लर्टिंग, समबडी इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद यू, कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाह रहा है, किसी को फ्लर्ट करना है आपसे। ओके, वॉट एवर यू टच स्पार्क्स द करेंट, आप जिस भी चीज़ को छूते हैं हो सकता है उसमें करेंट सा लगता हो, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, आप वुडन चीज़ को भी छूते हो तो उससे करेंट आता हो, इसका मतलब आपके अंदर डिवाइन पावर्स आ रही हैं, आप अवेकनिंग हो रही है आपकी, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स अवेकन हो रही हैं। तुम दूर होते हो तो अधूरा सा लगता है, किसी को इनकम्प्लीट फील होता है आपके बिना, किसी को इनकम्प्लीट फील होता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहता है। हैप्पी बर्थडे, अगर किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। इफ़ यू आर सीइंग आउल, वेल्थ इज़ कमिंग टू यू, अगर आपको आउल दिख रहे हैं, आपको पिक्चर्स में कहीं पर भी आपको आउल दिख रहे हैं, है ना, तो इट मीन्स दैट इज़ एन इंडिकेशन कि आपके पास वेल्थ आ रही है, माता लक्ष्मी आ रही हैं। ओके, जग घूमया तेरे जैसा ना कोई, किस कोई आपके लिए ये गाना डेडिकेट कर रहा है। ओके ओके, लव योर कॉन्फिडेंस, किसी को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, किसी को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पसंद है आपका। ओके, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू, किसी ने आपको हर्ट किया वो आपसे सॉरी कह रहे हैं और आई लव यू कह रहे हैं, ठीक है, किसी ने आपको हर्ट किया है, कुछ गलत कहा है आपसे। योर लवर इज़ मिसिंग यू, आपके लवर आपको याद कर रहे हैं, आप जिस डिसहार्टनिंग से गुजरे हैं तो अभी फ़िलहाल आपके लवर को पछतावा है, उन्होंने आपको हर्ट किया है। नोबडी इज़ लाइक यू, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके लवर आपसे कह रहे हैं। केयर टेक दिस पॉइंट वन, ईश्वर के संदेश वाहक, मैसेंजर ऑफ गॉड, हो सकता है यहाँ पे कोई टैरो रीडर्स हो मुझे देख रहे हो, है ना, आप भी ईश्वर के संदेश वाहक हैं। ओके, योर आईज मेस्मराइज मी, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, आपकी आंखों को देखकर कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, आपसे कोई कह रहा है हाँ आप बिल्कुल वैसी हैं या वैसे हैं जैसा उन्होंने सोचा था, ठीक है। ओके, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी टू टेक वन मोर, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, किसी को शिकायत है यहाँ पे, किसी को कोई मनाने नहीं आया, किसी को कोई मनाने नहीं गया, कोई किसी से नाराज़ था। ओके, तो ये थे यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस, देखते हैं क्या वर्ड्स, क्या लेटर्स, क्या इनिशियल्स आते हैं आपके लिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन या आपके लवर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपके स्पाउस आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, काफ़ी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेटर ई, एल ओ वी ई, एल ओ वी ई इज देयर, सो डेफिनेटली यहाँ पे लव मैसेजेस हैं, या कोई आपके लिए लव मैसेजेस भेज रहा है। लव यू, लव यू, कोई आपसे कह रहा है लव यू,
लेटर पी स्पेसिफिक हो सकता है यहाँ पे, ए आप, कोई आप कह रहा है, के एस आपके साथ, आपके पास, आपके पास, आपके साथ, कुछ ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। जी आपके संग, बी आपके संग बितानी, आपके सब, आपके साथ कब, आपके साथ कब, आपके पास कब, ऐसा कुछ। या एन आपके संग, या क्यू, कोई आपको क्वीन कह रहा है, क्वीन। एट उनका लाइफ पाथ नंबर एट हो सकता है, आपका बर्थडे हो रहा हो, आपका बर्थडे डेट हो सकता है एट हो। एफ नाइन और मे बी सिक्स, 1989 किसी की डेट एज एन ईयर, बर्थ का ईयर हो सकता है 98 89 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। एच, एच दो बार आया है, एच एच, ओके क्यू। बी एक्स, एक्स एक्स दो बार आया, एक्स एक्स एक्स, ओके। एम देखते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं आपके लवर, आपके लवर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके सब पास, सब पास, अब पास में समथिंग, आई एम लिसनिंग, अब पास में कैसे, कैसे मिल पाएंगे, आई एम लिसनिंग, कैसे मिल पाएंगे, हम कैसे मिल पाएंगे। युग किसी का नाम हो सकता है, युग, युवान, यहाँ पे किसी का नाम युवान हो सकता है ना, ओके। ए बी एच, आई एम लिसनिंग, ए बी एच, किसी का नाम ए बी एच से शुरू होता होगा। पी एम पी, लुक्स, आई एम लिसनिंग, लुक्स, कैसे, लुक्स, उषा, उषा, कुश या खुशी, कुश या खुशी किसी का नाम हो सकता है। खुशबू, खुशी, खुशियाँ, हैप्पी, आई एम लिसनिंग, हैप्पी,
विकास विकास विवेक, किसी का नाम विवेक हो सकता है यहाँ पे। ईगो, आपके बीच में ईगो ईगो आया, ईगो की वजह से हुआ प्रॉब्लम, आप लोग के बीच में ईगो की प्रॉब्लम हुई। आई एम लिसनिंग वेंकटेश, माया, माला, नेहा, नेहा या काव्या, काव्या भी नाम हो सकता है किसी का। काव्य, काव्या, बीजी, कोई बीजी है, बीजी, बग, बी, BUG, बग वाला। हे, कोई किसी से हे कह रहा है, हाय, हे, हे। माई लव, समबडी सेइंग माई लव। सोल, सोल, कोई सोलमेट है यहाँ पे किसी का। सोल, सोलमेट, सोल फैमिली, सोलमेट, माई सोलमेट है ना। ओके, ओके, बॉय, प्ले बॉय, आई एम लिसनिंग प्ले बॉय। बाय, ओके, ओके, बाय बाय। मे बी स्पिरिट्स आर ट्राइंग टू टेल मी ओके बाय, या स्पिरिट्स बोलना चाह रहे हैं कि दैट इज इट, यही मैसेजेस थे। ठीक है, आपके लवर की तरफ से, आपके स्पाउस की तरफ से ये कुछ इनिशियल्स आ रहे थे, ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए डेफिनेटली स्पेसिफिक हो सकते हैं, है ना। तो इसके साथ ही मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ, और आप लोग के लिए यस बहुत अच्छी खबर है कि आपके अगर शादी नहीं हुई है तो जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाएगी। एक बार मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों की शादी कब तक होगी, आपकी शादी में कितना टाइम है, आपकी शादी कब तक फिक्स हो जाएगी, आपकी शादी कब तक फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो लेटर्स आए हैं, मुझे नंबर्स चाहिए। आपकी शादी कब तक फिक्स हो जाएगी। ओके, बहन, कोई किसी की बहन है, बहन, 30, इक्वल, मल्टीप्लाई। ओके, मुझे लगता है 30 हफ्ते, 30 वीक्स, क्या पॉसिबल है 3 इयर्स, 3 इयर्स में या 3 मंथ्स में, है ना, 30 वीक्स में आपकी शादी पक्की हो सकती है। ठीक है, सो या फिर आप, या फिर 5 मंथ्स में भी हो सकती है, 5, ओके, तो 5 का भी आया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी 5 इयर्स, 5 मंथ्स या 5 वीक्स में तय हो जाए,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी की जो डेट फिक्स हो वो 5 हो, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो, पॉजिटिव जाए, एंड आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस आए लाइफ में, और आप हमेशा अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहें, लवी डवी हैप्पीली एवर आफ्टर अपनी लाइफ बिताएं, ठीक है? तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ. थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू.